देखो यहां पर नेटवर्क का कमांड चलाना है, ठीक है। तो एक तो पहले होता है आईपी कॉन्फ़िग, तो यहां पे सिंपली लिखोगे आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है, और एंटर प्रेस करोगे तो यहां पर हमारे सिस्टम का आईपी एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। कनेक्टेड होगा तो सिस्टम का आईपी एड्रेस आ जाएगा, इंटरनेट से कनेक्ट रहना चाहिए बस। यहां पे देखो IPv6 वर्जन के आधार पर इंटरनेट प्रोटोकॉल को दो भागों में बांटा गया था। एक पहला है IPv4 जिसमें लगभग 2.5 अरब आईपी एड्रेसेस डिजाइन किए गए थे, जब वो खत्म हो गए तो IPv6 डिजाइन किया गया, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, और इसमें इतने ज्यादा आईपी एड्रेसेस डिजाइन कर दिए गए कि कभी भी कितने भी डिवाइसेस हो जाएं दुनिया में आईपी एड्रेसेस की कमी नहीं होगी, ठीक है। अब हमको मान लो पता करना है गूगल का आईपी एड्रेस, तो क्या करेंगे, कौन सा कमांड चलाएंगे, तो यहां पर देखो लिखेंगे PING, पिंग लिख दिया, पिंग लिखेंगे, देखो गड़बड़ा रहा है ये PING, ठीक है, और यहां पर लिखना है google.com, तो गूगल का आईपी एड्रेस आ जाएगा। देखो एंटर प्रेस करते ही गूगल का आईपी एड्रेस है ये, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। यहां पे देखो ये जो आईपी एड्रेस था ये किसका आईपी एड्रेस है, ये मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस है, तो ये 2409 से शुरू हो रहा है, और ये गूगल का आईपी एड्रेस है तो ये 2404 से शुरू हो रहा है, ये बात ध्यान रखना, दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब मान लो अमेजोन का खोलना है तो amazon.in करना पड़ेगा, पिंग डाल के करेंगे, हाँ PING पिंग amazon.in ये कर दिया, एंटर प्रेस किया, तो देखो amazon का अलग आएगा, देख रहे हो यहां 52 से आ रहा है, क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं एगो हमारे इंस्टीट्यूट का भी वेबसाइट देख लेते हैं, तो हम जो बनाए थे, तो यहां पिंग लिखा और यहां लिखता हूं thesignin.in, ठीक है, तो डॉट इन डोमेन सस्ता पड़ता है तो इसीलिए डॉट इन लिए, तो डॉट कॉम बड़ा महंगा पड़ रहा था, तो एंटर प्रेस करते हैं। अब देखो ये हमारे इंस्टीट्यूट का जो हमने वेबसाइट बनाई है उसकी आईपी एड्रेस है, देख रहे हो, तो सब ये जो भी पता करना है, फेसबुक पता करना है, अमेजोन पता करना है, तो फेसबुक को पता कर लिया जाए, तो ये लिखते हैं फेसबुक, तो पिंग लिख करके, हाँ बुला जा रहा है हमको पिंग, और यहां पर लिखेंगे facebook.com का पता करते हैं .com, तो ये देखो फेसबुक का आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो यहां पर कुछ अलग आईपी एड्रेस आ रहा है, देख सकते हो फेसबुक का आईपी एड्रेस क्या है। तो इस तरीके से आपको कोई भी आईपी एड्रेस की जरूरत पड़े तो आसानी के साथ आप पता कर सकते हैं इजिली, क्लियर है, क्लियर है, ओके।